हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG एग्जामिनेशन के बारे में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग PG प्रोग्राम। तो फर्स्ट एंड फॉल, CUET इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA फॉर द एडमिशन टू वेरियस डॉक्टरेट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, डिप्लोमा एंड रिसर्च प्रोग्राम इन वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, प्राइवेट एंड डीम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये जो एग्जामिनेशन है, ये ईयर 2017 में कंडक्ट किया गया था, जहाँ पर इसका नाम हुआ करता था CUSET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद इसमें कुछ संशोधन हुआ एंड ईयर 2022 में इसका नया नाम आया, जहाँ हुआ CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। ऑल्दो ये जो एग्जामिनेशन है, ये डिफरेंट डोमेन में कंडक्ट किया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ आर्ट। बट इन दिस वीडियो वी विल टॉकिंग अबाउट ओनली बायोलॉजिकल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। तो बायोलॉजिकल साइंसेज की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे लाइफ साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेट्रिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस, उन सारे सब्जेक्ट की मैं आपको यहाँ डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CUET PG एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर एग्जाम स्कीम, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, PYQ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर रिजल्ट, बुक एंड स्ट्रेटजी। द कंप्लीट नेम ऑफ एग्जामिनेशन इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। ये एक PG लेवल एग्जामिनेशन है। यदि आप अथॉरिटी की बात करें तो ये NTA के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इन दिस स्लाइड आई हैव मेंशन द लिस्ट ऑफ CUET PG पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने यहाँ मेंशन करके रखी हैं। क्योंकि जब भी आप एग्जामिनेशन देंगे तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट अमरकंटक एंड इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेंटर मणिपुर, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय एंड गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इसके कॉन्टिन्यूएशन में ये कुछ और भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे हेमवती यूनिवर्सिटी से लेकर राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन करी है, तो आप हर एक यूनिवर्सिटी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप उसका रीज़न और प्लेस दे सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे तो आप इन यूनिवर्सिटी में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग PG प्रोग्राम। नाउ कमिंग ऑन द नेम ऑफ फ्यू टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पे मैंने टोटल 13 यूनिवर्सिटी मेंशन करी हैं जो ऑल इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। यदि आप अपनी MSc बायोलॉजिकल साइंसेज और एनवायरमेंटल साइंसेज से करना चाहते हैं तो ये इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान, असम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, गाढ़वाल यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं ये जो टोटल 13 यूनिवर्सिटी है, आपकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है ऑल इंडिया लेवल पे। नाउ कमिंग ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो CUET का ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यदि आपको एग्जामिनेशन देना है तो आप खाली अपने अंडर ग्रेजुएट में पास आउट होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा CUET कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नहीं मांगता। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो CUET के अंतर्गत आती है, उन सबका क्राइटेरिया है। तो हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया को एक बार देखा, उसके बाद ये कॉमन क्राइटेरिया बनाया है। तो यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि यदि आपको मास्टर में एडमिशन लेना है तो जो आपकी बैचलर डिग्री है वो आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या जो आपका कॉलेज है वहाँ से आप पास आउट हुए हो। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड
देयर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, यदि आप जर्नल या EWS के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। वहीं पर यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे SC ST PWD एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर में, तो कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन है। मतलब जो आपका पासिंग परसेंटेज है वो एटलीस्ट 45% होना चाहिए। यहाँ पर कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, आप PG का एडमिशन किसी भी एज ग्रुप में ले सकते हैं। एंड जो लास्ट है वो है वैलिडिटी स्कोर कार्ड। जो आपकी वैलिडिटी रहेगी वो स्कोर कार्ड की 1 ईयर तक रहेगी। तो जिस डेट में आपका रिजल्ट अनाउंस होगा वहाँ से लेके अप टू 1 ईयर तक जो आपका स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और हर एक यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो एक टाइम पे नहीं हो पाती। इसकी डेट भी डिफरेंट होती है एंड मंथ भी कई बार डिफरेंट होता है, तो उस वजह से इसका जो वैलिडिटी पीरियड है उसको 1 साल रखा गया है। नाउ कमिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट इज एग्जाम नोटिफिकेशन। यू हैव टू बी फाउंड योर एग्जाम नोटिफिकेशन इन अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ये जो एग्जाम है ये 1 साल में केवल एक बार ही इस एग्जाम को जो है कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप एग्जाम ऑफर की बात करें तो कोर्स इसमें बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्स को ऑफर किया जाता है CUET PG एग्जामिनेशन में। ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है। ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। एग्जाम डेट की यदि आप बात करेंगे तो ये 22 से लेकर 30 जून को ही इसका लास्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ था। तो ये टोटल 8 दिन के एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट किए जाते हैं और इन 8 डे में किसी भी दिन आपके जो पेपर है उसका एग्जाम ले लिया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो MCQ टाइप इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। मीडिया ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो मिलेगा। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। मोड ऑफ काउंसलिंग ऑफलाइन होगी और ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है इस एग्जामिनेशन के लिए, CUET.NTA.NIC.IN। तो आपको जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। नाउ कमिंग ऑन एप्लीकेशन फी, तो इसको ज़रा डिटेल में समझिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपका जो फी है वो 800 रहेगा अप टू 3 पेपर्स। इसका मतलब ये है यदि आप सोच रहे हैं कि आपको MSc के लिए जूलॉजी में भी पेपर देना है, बॉटनी में भी देना है, लाइफ साइंस में भी देना है, तो टोटल 3 पेपर आप चूज करेंगे, उनकी जो फी रहेगी वो 800 रहेगी। अब होगा क्या कि आप बैकअप रखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं बायोटेक्नोलॉजी में भी एग्जामिनेशन दे दूं, मैं बायोकेमिस्ट्री में भी दे दूं, मैं एनवायरमेंटल साइंसेस में भी दे दूं, जिससे कहीं ना कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट आपको एडमिशन मिल जाए, तो आप करेंगे क्या कि आप एडिशनल पेपर ले लेंगे। जैसे 3 पेपर के तो आपके जो है वो 800 हो गए और बाकी का आपने 3+1 पेपर करा तो 800 के साथ हर एक पेपर के आपके 2-100 जो हैं एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा जो फी रहेगी वो रहेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। पहले क्या होता था, अगर हमें किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमें उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए पहले फॉर्म डालना रहता था। वहाँ पर भी यदि हमें 2 पेपर देने हैं तो हमें 2 अलग-अलग फॉर्म फिल करने रहते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। CUET ने जो है हमें एक फैसिलिटी दी है या रिलैक्सेशन दिया है कि आप एक एग्ज़ाम ही देंगे, एक पेपर का एक एग्ज़ाम देंगे और CUET के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपने जूलॉजी का एग्ज़ाम दिया है तो CUET में जो जो यूनिवर्सिटी हैं जो जूलॉजी के कोर्स को कंडक्ट कराती हैं तो आप उन सब यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। इसीलिए ये एग्जामिनेशन जो है यदि आप अंडर ग्रेजुएट पास आउट कर चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है आपको देना ही देना है। अब यदि हम EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 600 जो है पर पेपर फी, 3 पेपर की फ़ी रहेगी एंड 150 जो है हर एक पेपर पे इंक्रीज होगा। SC ST एंड थर्ड जेंडर वालों के लिए 550 है, अगेन 150 हर एक एग्ज़ाम यदि आप एक्स्ट्रा देंगे पेपर। PWD वालों के लिए भी 500 है एंड 150 अगेन यदि आप एक्स्ट्रा पेपर को इंक्लूड करेंगे। वहीं पर यदि आप आउट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट हैं तो आपका 4000 रहेगा 3 पेपर्स के लिए और जो आपका 1 पेपर के लिए 1000 आपका, इस तरीके से इंक्रीजमेंट होता रहेगा। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आप एक साथ ही 10 पेपर को भी टारगेट कर सकते हैं, इवन आपको करना ही चाहिए। आप कैसे उसको टारगेट करेंगे, फर्दर उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो आगे वाली स्लाइड में आपको मैं बहुत डिटेल में बता दूंगी।
नाउ कमिंग ऑन एग्जाम मार्किंग स्कीम, यदि हम मार्किंग स्कीम को देखें तो यू हैव टू बी फाउंड योर एग्जाम पेपर इन टू पार्ट. फर्स्ट जो रहेगा आपका पार्ट ए रहेगा एंड सेकेंड जो है आपका पार्ट बी है. अगर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके जर्नल एप्टीट्यूड्स के होंगे, और जो आपका पार्ट बी है उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सब्जेक्टिव होंगे. तो ईच क्वेश्चन जो है वो एक मार्क्स का होगा. इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 400 होंगे. अब एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन द एग्जामिनेशन इज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, सो नेगेटिव मार्किंग मस्ट बी देयर. तो होगा क्या, यदि आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो आपको प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं पर यदि आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है तो -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन पेपर में है रहेगी. अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट मेंशन करे हैं और उनके कुछ कोड मेंशन करे हैं, ये आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है. जैसे एक पेपर कोड है PGQP 51, इसमें जो है टोटल 3-4 सब्जेक्ट है, जैसे स्पोर्ट फिजियोलॉजी है, बायो केमिस्ट्री है, न्यूट्रिशन है, बायोमैकेनिक्स है. ये बेसिकली इससे आप MSc एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. PGQP 22 ये जो है लाइफ साइंस के लिए है, बॉटनी, जूलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं, जो आपके MSc, MTech एंड PG डिप्लोमा के लिए है. थर्ड जो है आपका PGQP 16 जो क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के लिए है, जहाँ पर अगेन आप MA एंड MSc कर सकते हैं. PGQP 33 जहाँ जो एग्रीकल्चर साइंस के लिए है, अगेन MSc के लिए. PGQP 75 फॉर जूलॉजी फॉर MSc एंड PGQP 76 फॉर बॉटनी MSc. PGQP 31 फूड साइंस, न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी जो MSc MTech के लिए है. और लास्ट जो है आपका PGQP 32 जो आपके इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, इससे आप MSc MTech एंड PG डिप्लोमा कुछ भी कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन द सिलेबस ऑफ पार्ट ए, आप पार्ट ए की बात करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट में आएगा. फर्स्ट जो रहेगा आपका पार्ट ए रहेगा एंड सेकंड जो है वो पार्ट बी रहेगा. तो पार्ट ए में बेसिकली आपको इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन पढ़ना है, जिसमें आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे एंड सेंटेंस मेकिंग पोर्शन पढ़ेंगे. सेकेंड इज वर्बल एबिलिटी, थर्ड इज जर्नल अवेयरनेस, फोर्थ इज बेसिक मैथमेटिक्स एंड जो फिफ्थ है वो आपकी रहेगी क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जो सिक्स्थ है वो है एनालिटिकल स्किल. तो इस तरीके से टोटल 6 सेक्शन है या 6 यूनिट है जो आपके पार्ट ए का सिलेबस है उसको कवर करेंगे. एंड सेकंड जो है सब्जेक्ट फॉर MSc, तो ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप ध्यान से समझ लीजिए. तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट मेंशन करे हैं. यदि आपको अपनी जो MSc है वो लाइफ साइंस से करनी है, बायोकेमिस्ट्री से करनी है, जूलॉजी से करनी है, बॉटनी से करनी है, बायोटेक्नोलॉजी से करनी है, माइक्रोबायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेट्रिक्स या इन्वायरमेंटल साइंस, तो टोटल कितने 11 सब्जेक्ट हैं. यदि इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको अपनी MSc करनी है तो ये कुछ कॉमन सिलेबस है पार्ट बी के लिए, क्योंकि पार्ट ए में हम क्या पढ़ रहे थे, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे. अब पार्ट जो बी है उसमें हमारा सब्जेक्टिव आना है. तो कॉमन यूनिट में पहली यूनिट कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री. इसमें जो है आप बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म, एंजाइम, ये सब पढ़ेंगे. जेनेटिक्स में आपको दोनों पढ़ना है, क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. सेल बायोलॉजी में आप सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे. एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी आपकी फोर्थ यूनिट है. फिफ्थ इज बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल टेक्निक, देन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेट्रिक्स एंड 10 यूनिट्स जो है आपकी वो इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन. तो ये टोटल आपकी 10 यूनिट्स हैं. अब होगा क्या कि ये जो आप MSc के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, तो हर एक सब्जेक्ट में आपकी ये कॉमन यूनिट्स आएंगी ही आएंगी. जैसे होगा ये कि अगर आप लाइफ साइंस में अपने एग्जाम को दे रहे हैं तो ये जो 10 कॉमन यूनिट्स हैं इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे. यदि आप बायोकेमिस्ट्री से दे रहे हैं तो भी इनसे क्वेश्चंस आएंगे. यदि आप जूलॉजी से दे रहे हैं फिर भी आपसे पूछा जाएगा. तो आप जितने भी 11 अगर आप ये देखेंगे अपने सब्जेक्ट, तो सारे ही सब्जेक्ट में आपकी कॉमन यूनिट्स से जो है वो क्वेश्चंस आने ही आने हैं. तो आपकी ये जो कॉमन यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है. और यदि आप इन 10 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप पैरेलली एटलीस्ट 5-10 एग्जाम एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं और एक साथ ही इन सारे एग्जाम के जो है पेपर दे भी सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से वेरीफाई करके बता दे रही हूँ. यहाँ मैंने मेंशन करा है सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट सिलेबस. ये जो सिलेबस है हमने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है.
यदि आप लाइफ साइंस का पेपर दे रहे हैं एमएससी के लिए, तो यहाँ पर टोटल आपको 7 यूनिट जो है वो कवर करनी है। अब यूनिट्स क्या है, पहली तो आपकी टेक्निक्स इन बायोलॉजी, फिर है आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस एंड एनिमल साइंस। तो ये जो आपकी 7 की 7 यूनिट्स हैं, ये कॉमन यूनिट्स का ही पार्ट है। तो अब यदि आप लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी 10 कॉमन यूनिट प्रिपेयर करी, आपका लाइफ साइंस का एग्जाम जो है वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो गया। अब सेकंड आपका पेपर, यदि आप जूलॉजी में भी पेपर दे रहे हैं, तो उसका देख लीजिए ज़रा सिलेबस क्या है। एक तो सेल बायोलॉजी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी आपको पढ़नी है, इकोलॉजी पढ़नी है, एवोल्यूशन पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी पढ़नी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टेट, एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो टोटल स्किल सिलेबस में जो है वो 14 यूनिट्स दी हुई हैं। ठीक, तो इन 14 यूनिट्स में से सारी ही कॉमन यूनिट्स का पार्ट है, बस 3 यूनिट्स जो है कॉमन यूनिट का पार्ट नहीं है। एक तो आपकी यूनिट 6, जहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन पढ़ना है। सेकंड जो है आपका यूनिट 10, जिसमें आपको वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है वो है यूनिट 11, जिसमें आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है। अगर आप ये 3 और यूनिट्स प्रिपेयर कर ले रहे हैं अपनी कॉमन यूनिट्स के साथ, तो आप जूलॉजी का जो पेपर है वो भी आपका कवर हो जाता है। अगर आपको नहीं भी करना है, तो आप अपनी इन 3 यूनिट्स को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर 11 यूनिट्स तो आप वैसे भी प्रिपेयर कर ही रहे हैं, अगर आपको करना है तो केवल 3 यूनिट्स ही एक्स्ट्रा रहेंगी जो आपके कॉमन सिलेबस से अलग है। अब हम बॉटनी के पेपर की बात कर लें, तो बॉटनी के पेपर के लिए जो सिलेबस है वो है फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिकुल्स एंड सेल बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट सेमेंटिक्स, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो है वो टोटल 13 यूनिट्स हैं। अब इनका बॉटनी में बस ये है कि आपका जो 50% पार्ट है वो कॉमन यूनिट का पार्ट है, और 50% आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब बॉटनी में जो है 50% आपको अपनी प्लांट बायोलॉजी या सिस्टम प्लांट जो साइंस है उससे आपकी यूनिट्स जो है वो आएंगी, और बाकी जो 50% है वो आपकी कॉमन जो यूनिट्स हैं उन्हीं का पार्ट है। अब बायोकेमिस्ट्री पेपर सिलेबस को देख लेते हैं, तो इसमें आप जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोकेमिकल टेक्निक्स, बायोमोलिक्यूल्स, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, बायोएनर्जेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें अगेन टोटल जो है वो 14 यूनिट्स हैं। अब बायोकेमिस्ट्री में भी केवल आपको 2 यूनिट्स कॉमन यूनिट्स के अलावा प्रिपेयर करनी है। एक तो आपका न्यूट्रिशन है जो यूनिट 6 है, और जो आपकी यूनिट 10 है दैट इज़ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो इस तरीके से खाली आपकी 2 यूनिट्स हैं जो आपको कॉमन यूनिट के अलावा भी प्रिपेयर करनी है, तो आपका बायोकेमिस्ट्री जो पार्ट है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि इसमें टोटल कितनी 14 यूनिट्स हैं। अब यदि आप चाहें तो 2 यूनिट को चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, और खाली 12 यूनिट भी अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम को इजीली और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर अब आपको एमएससी बायोइन्फॉर्मेट्रिक्स से करनी है, तो इसके पेपर का सिलेबस क्या है, तो मैथमेटिक्स है एंड स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन बायोइन्फॉर्मेट्रिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेट्रिक्स। तो यहाँ पर जो है वो टोटल आपकी 7 यूनिट्स है। तो 7 यूनिट्स में से अगेन जो 50% आपकी यूनिट है वो कॉमन सिलेबस से है आपकी, या कॉमन यूनिट से, और बाकी का जो 50% है वो बायोइन्फॉर्मेट्रिक्स पेपर स्पेसिफिक यूनिट होगा। बायोटेक्नोलॉजी में हम देख लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, जनरल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, फंडामेंटल बायोलॉजी एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस्ड बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल माइक्रोबायोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये टोटल जो है ये अगेन इसमें 7 यूनिट्स हैं, उनमें से केवल आपको जो 2 यूनिट्स हैं जो आपकी कॉमन यूनिट्स का पार्ट नहीं थी, एक तो आपकी फर्स्ट यूनिट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और जो आपका एक 5th यूनिट है
बायोप्रोसेस्ड इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से केवल दो यूनिट्स ही आपको प्रिपेयर करनी है और आपका बायोटेक्नोलॉजी का भी पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आपने वो 10 कॉमन यूनिट्स प्रिपेयर करी। माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग बर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियोफाज, नाइट्रोजन साइकिल, जनरल काउंट ऑफ माइक्रोब इन डाइवर्स एनवायरमेंट, माइक्रोबियल ग्रोथ, मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन, म्यूटेशन इन माइक्रोब्स, फर्मेंटेटिव प्रोडक्टिव एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोफर्टिलाइजर एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन। तो इस तरीके से इसमें 14 यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट अगेन आपकी कॉमन यूनिट्स का पार्ट है और कुछ आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। एनवायरमेंट में टोटल जो है वो 15 यूनिट्स हैं, जिसमें आपको अर्थ साइंस, फिजिकल एंड केमिकल साइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट, लाइफ साइंस से लेके बेस्ट मैनेजमेंट तक, ये आपको 15 यूनिट्स पढ़नी है। अब एनवायरमेंटल साइंस का ही खाली सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉमन यूनिट्स की खाली 40% जो पार्ट है इससे सिमिलर होता है, बाकी 60% आपको स्पेसिफिक एनवायरमेंटल साइंस से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपने देखा जो आपके मोस्ट ऑफ पेपर, जैसे आप लाइफ साइंस की बात करें, जूलॉजी की बात करें, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, तो ये आपके जो 4 पेपर हैं, यदि आप कॉमन यूनिट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके 80-90% पार्ट उसी में प्रिपेयर हो जाएगा। खाली आपको 10% अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, वो बाकी जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, इन सब के लिए आपका 40-50% पार्ट कॉमन सिलेबस से कवर होगा और बाकी का 20-30 ही खाली आपको कवर करना है, तो वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। अगेन मैं इसको फिर से वेरीफाई करती हूँ, ये हमने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। यहाँ पर मैंने टोटल 4 सब्जेक्ट लिए हैं या 4 पेपर लिए हैं, जैसे एक लाइफ साइंस का, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बॉटनी का, और जो हमारी कॉमन यूनिट्स है जैसे बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, बायोफिजिकल टेक्निक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जो भी हमारी कॉमन यूनिट्स हैं उन सब में से कितने क्वेश्चन आए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा है, वो सारा मैंने यहाँ मेंशन करा है। आप देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री से टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइफ साइंस के पेपर में, 11 क्वेश्चन पूछे गए थे जूलॉजी वाले पेपर में, एंड 11 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में अगेन, एंड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे बॉटनी के पेपर्स में। जेनेटिक्स की यदि आप बात करें तो जेनेटिक्स की जो यूनिट थी उसमें 10 क्वेश्चन लाइफ साइंस में पूछे गए थे, 11 क्वेश्चन जूलॉजी में, 10 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में, एंड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बॉटनी में। सेल बायोलॉजी से 11, 6, 11 एंड 5 क्वेश्चन इन ईच यूनिट रिस्पेक्टिवली। अब फिजिकल या टेक्निक्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में था। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में 7 क्वेश्चन थे लाइफ साइंस में, 7 क्वेश्चन अगेन जूलॉजी में, 6 क्वेश्चन जो थे वो बायोकेमिस्ट्री के पेपर्स में थे, और 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके बॉटनी के पेपर्स में थे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर एक जो आपके कॉमन यूनिट्स हैं, कॉमन यूनिट्स का भी अच्छा खासा वेटेज यहाँ होता है, और क्वेश्चंस जो है कॉमन यूनिट्स से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि आप एटलीस्ट 10 यूनिट्स वो ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आप वो ही खाली यूनिट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो पैरेलली आपके 5-7 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से टारगेट हो जाएंगे, आप उनका एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से जो है दे पाएंगे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने हर एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मैंशन नहीं किया है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या CUET के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनके कट ऑफ जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वेरी करते हैं, तो यहाँ पे खाली मैंने टॉपर्स के ही कट ऑफ रखे। ऑल्दो मैं आपको एक अराउंड एस्टिमेशन ज़रूर बता दूंगी कि कट ऑफ जो है उसके लिए एटलीस्ट आपको कितना परसेंट या परसेंटाइल की ज़रूरत रहेगी। तो लाइफ साइंस की यदि बात करें तो जो टॉपर के मार्क्स थे वो थे 292 एंड बायोकेमिस्ट्री में 256, जूलॉजी 288, बॉटनी 252, माइक्रोबायोलॉजी 268 एंड बायोटेक्नोलॉजी 259, बायो इन्फॉर्मेट्रिक्स 193, इन्वायरमेंटल साइंस 330 एंड फूड टेक्नोलॉजी में जो था वो था आपका 257। तो आप देख सकते हैं यदि आप इन पूरे मार्क्स का परसेंट में एस्टिमेशन करेंगे तो ये 65 से लेके आपका 70% तक का एस्टिमेशन देता है। मतलब यदि आप अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर कितने का था, ये पूरे जो क्वेश्चन पेपर थे ये 400 के थे, जहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन थे वो 100 थे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का था, तो पूरा जो टोटल मार्क्स है वो 400 हुआ। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 65 से लेके 70 तक आता है, सॉरी 70 तक आता है।
तो होगा क्या कि अगर आपको ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का भी कट ऑफ क्लियर करना है तो एटलीस्ट आपके 60 से लेके 65% तक होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 60 से लेके 65 तक आता है तो डेफिनेटली जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कट ऑफ को आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है उन यूनिवर्सिटीज़ का इसी रेंज का रहा है। इसके अलावा यदि अब आपका जो है 58 से लेके 62 तक भी आपका आता है परसेंटेज, या आपकी जो रिजल्ट या कट ऑफ के जो मार्क्स है वो आप इतने भी ला पाते हैं, तो आपके 58 से लेके 62 तक के यदि मार्क्स आ रहे हैं परसेंटेज में, तो आप ये मान के चलिए कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी आपको इजीली काउंसलिंग में जा सकते हैं और आपका एडमिशन भी होता है। ऑल्दो लेकिन हमें टारगेट जो है यही रखना है 60 से लेके 65 तक एटलीस्ट इतना परसेंटेज आपका अगर हर एक एग्जामिनेशन में या पेपर में आता है तो डेफिनेटली आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया की जो CUET के अंतर्गत आती है उनका कट ऑफ डेफिनेटली जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि अगर आपको MSc लाइफ साइंस से करनी है तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की कौन कौन सी है जहाँ पर लाइफ साइंस पढ़ाया जाता है या जिनको आप टारगेट कर सकते हैं अपने MSc या PG प्रोग्राम के लिए। तो लाइफ साइंस के लिए जो है यहाँ पर मैंने खाली टॉप 9 या टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को ही मेंशन करा है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप ये अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यदि हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो JNU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो ये टॉप 9 यूनिवर्सिटी हैं यदि आप लाइफ साइंस की बात करें, और इंडिया की ही ये टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप यदि लाइफ साइंस से MSc टारगेट कर रहे हैं तो आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को अपने टारगेट में रखें। यदि आप बायोकेमिस्ट्री से MSc करना चाहते हैं तो उसके लिए BHU है, DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी बायोफिजिक्स के लिए भी बहुत अच्छी है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हैदराबाद, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एंड बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। तो ये टोटल 13 यूनिवर्सिटी है जो आप अपनी बायोकेमिस्ट्री से यदि आपको MSc करनी है तो आप टारगेट कर सकते हैं। यदि हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, मणिपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, महात्मा गांधी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये टोटल 12 यूनिवर्सिटी हैं जो जूलॉजी के लिए बेस्ट है। ऑल्दो इनके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो CUET के अंतर्गत ही आती हैं जहाँ से आप अपना कर सकते हैं MSc से, जूलॉजी से MSc, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है तो आपको इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ जो है उनमें से टारगेट करना है। बॉटनी को अगर आप देखें तो बॉटनी के लिए अगेन DU है, BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर में जो है उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो ये टोटल 11 यूनिवर्सिटी हैं जो आप अपनी बॉटनी सब्जेक्ट के लिए टारगेट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको बताती हूँ, जैसे DU यूनिवर्सिटी है, BHU है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हैदराबाद, राजस्थान, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, मणिपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो टोटल 14 यूनिवर्सिटी, ये इंडिया की बेस्ट 14 यूनिवर्सिटी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए हैं। यदि आपको बायोटेक्नोलॉजी से MSc करनी है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए जो है वो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश जहाँ पर मॉलिकुलर बायोलॉजी से MSc होता है, JNU में भी होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हैदराबाद। तो ये जो आपकी 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए बेस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए DU है, BHU है, गुजरात विद्यापीठ है, असम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एंड बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। तो ये टोटल 11 यूनिवर्सिटी अगेन है जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी के लिए हैं।
जेनेटिक्स के लिए देख सकती हैं, यदि आपको जेनेटिक्स से एमएससी करनी है तो आप ये जो 4 यूनिवर्सिटी उनको टारगेट कर लीजिए। डीयू है आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, तो ये 4 यूनिवर्सिटी अगेन बेस्ट है जेनेटिक्स के लिए। मैंने आपको पूरा लिस्ट बता दिया है कि आपको किस तरीके से जो यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, और जो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वो भी मैंने आपको बता दी। अब हम काउंसलिंग प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या, आपने एग्जामिनेशन दे दिया, रिजल्ट आ गया, अब आपका कट ऑफ भी क्लियर हुआ है, तो अब ये काउंसलिंग का प्रोसीजर है। काउंसलिंग में सबसे पहले होगा क्या कि हर एक जो आपका इंस्टीट्यूट रहेगा, कॉलेज रहेगा या यूनिवर्सिटी रहेगी, उसकी जो काउंसलिंग है वो इंडिपेंडेंटली होगी, मतलब सबकी एक साथ नहीं होगी, अलग अलग होगी। आपको हर एक इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में जाना रहेगा अपनी काउंसलिंग के लिए। हर एक जो है यूनिवर्सिटी वो अपनी खुद की कट ऑफ लिस्ट जो है जारी करती है, ठीक है। और आपको क्या करना रहेगा, यदि आप उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए रजिस्टर कराना रहेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा काउंसलिंग के लिए। तो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, मैंने प्रीवियस स्लाइड में हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी मेंशन करी है, तो आप वहां जाके उस यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं। आपको वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, वो काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। काउंसलिंग बेसिकली 3 टाइम में होती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड एंड थर्ड काउंसलिंग। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि सीट पूरी फिल नहीं हुई या सीट की अवेलेबिलिटी है, तो कई बार फोर्थ काउंसलिंग भी कंडक्ट करा दी जाती है। और उसके बाद जब काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हो जाता है सीट अलॉटमेंट, और फाइनल लिस्ट जो है हर एक यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यदि उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम है, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है। और अब आपको क्या होगा कि एक एडमिशन ऑफर लेटर मिलेगा, इस एडमिशन ऑफर लेटर के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको वेरीफाई कराएंगे उसी यूनिवर्सिटी में, और इस तरीके से जो है आपका वो एडमिशन हो जाता है पीजी प्रोग्राम के लिए। ठीक, तो आपने देखा कि जो CUET का एग्जामिनेशन है वो कितना प्रिविलेज वाला एग्जामिनेशन, यहाँ आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, आप अपने हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। आप खाली एक ही एग्जामिनेशन दे रहे हैं, CUET के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं आप एक साथ उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन हो चुका है, यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, तो डेफिनेटली आपको CUET का एग्जामिनेशन देना है। तो अगर आप बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल साइंस से ही एमएससी करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 सब्जेक्ट जो है उनको टारगेट करके चलना है। तो यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर लें, इससे भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ बुक जो रेफरेंस या स्टैंडर्ड बुक है उनको बता देती हूँ। आपको यदि बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है तो एक बुक है बॉयट ऑन बॉयट, आप इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड जो आपकी बुक है मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी के लिए, वो लोडिश की है। थर्ड इज़ मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ जीन बाय वॉट्सन। जो आपकी फोर्थ बुक है जेनेटिक्स बाय बेंजामिन पियर्स, एंड माइक्रोबायोलॉजी बाय प्रेस्कॉट, एनिमल फिजियोलॉजी बाय टॉर्टोरा, एंड प्लांट फिजियोलॉजी बाय तेज एंड जिगर, इम्यूनोलॉजी बाय क्यूवे, एंड जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस बाय टीए ब्राउन, मॉलिकुलर एंड बायोकेमिकल टेक्निक बाय विल्सन एंड वॉकर, फूड टेक्नोलॉजी बाय सीमोज एंड अभिलाष, एंड इकोलॉजी बाय पीटर स्टीलिंग। तो इस तरीके से ये सारी रेफरेंस बुक है। लेकिन आपको याद रखिए कि जो आपका एग्जामिनेशन है CUET का, वो बहुत बेसिक एग्जामिनेशन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चंस आएंगे सब ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ऑल्दो अगर आप उसके सिलेबस को भी देखोगे तो सारे जो टॉपिक हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के ही हैं, और जो सिलेबस में है वो ही आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं, अलग से नहीं आता है। आपको करना क्या है, यदि आप इन रेफरेंस बुक को यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर एक टॉपिक को एकदम बेसिक पढ़ना है, क्योंकि रेफरेंस बुक में सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में दिए रहते हैं। हमें डिटेल में नहीं स्टडी करनी है, हमें खाली बेसिक्स ही पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया जो 10 यूनिट्स हैं, जो मैंने आपको कॉमन यूनिट्स बताई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको सारी अपनी रेफरेंस बुक से प्रिपेयर करनी है यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और जो यूनिट्स मैंने बताई खाली वो यूनिट्स ही प्रिपेयर करनी है, और बेसिक ओवरव्यू उनका प्रिपेयर करना है, डिटेल में उसको नहीं पढ़ना है। और यदि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो eLearnam इसी यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, कुछ वीडियोस होंगी तो टॉपिक वाइज आप उन वीडियोस को सर्च करके वहां से भी आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई और वीडियोस चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको कुछ वीडियोस या फिर जो स्टडी नोट्स हैं वो भी अवेलेबल कराएंगे। ओके।
कमिंग ऑन द स्ट्रेटजी, यदि हम स्ट्रेटजी की देखें तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। टाइम टेबल ऐसे प्रिपेयर करना है, यदि आपने डिसाइड करा है कि आपको इतने से इतने आवर्स स्टडी करनी है तो आपको करनी ही करनी है। अब या आप मॉर्निंग में स्टडी करिए, आफ्टरनून में करिए, इवनिंग में करिए, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, एंड सेकेंड इज यू शुड हैव द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो यहाँ मैंने आपको कंप्लीट वे में बताया है एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कितने पार्ट्स रहेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसी है, सारा मैंने आपको डिटेल में बताया। सिलेबस को भी मैंने हर एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करके आपको बता दिया है। ठीक, और जो थर्ड जो है वो आपका रेफरेंस बुक है, तो अगेन मैंने आपको रेफरेंस बुक भी यहाँ पे बताया है। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने खाली एक ही रेफरेंस बुक बताया, तो आप उन बुक्स से भी अपनी यूनिट्स जो है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए, ऑनलाइन स्टडी करिए, लेकिन आप अपने शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए। क्योंकि यदि आपने पॉइंट वाइज अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, जब आप इनको रिकॉल करोगे या रिवाइज करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आप इजीली एक ही टाइम पे अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो रिवाइज कर लोगे। फिफ्थ जो है वो है आपका हाई वेटेज चैप्टर है, उनको पहले प्रिपेयर करना है। उसी लिए मैंने आपको वो 10 कॉमन यूनिट्स बताई हैं, क्योंकि जो आपकी कॉमन यूनिट्स हैं वो हाई वेटेज वाली यूनिट्स भी हैं और वो हर एक एग्जामिनेशन में, यदि आप 10 सब्जेक्ट में भी अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 10 के 10 सब्जेक्ट या 10 पेपर्स में उन्हीं यूनिट से ही क्वेश्चंस पूछने जाएंगे। तो वो जो 10 यूनिट्स है वो तो आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है, चाहे आप कैसे भी उनको प्रिपेयर करिए। अब जो सिक्स्थ है, ये है प्रैक्टिस करनी है आपको मॉक टेस्ट पे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो आपको ये कहाँ मिलेंगे, आप ई लर्नम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस पेपर रहेंगे वहाँ अवेलेबल है, तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपना थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है, जब हम 3 से 4 बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आंसर्स याद हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मॉक टेस्ट की या जो आपके न्यू क्वेश्चंस हैं उनकी। जब आप न्यू क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि जो आपकी प्रिपरेशन है कितनी अप टू द मार्क है। तो आपको जहाँ से भी न्यू क्वेश्चंस मिले, जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, उन पे तो आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और जो सेवन्थ है वो है आपका रिविज़न। आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आपके कोर कंसेप्ट हैं, उनको उन पे आपको फोकस करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर है, आपको एक बार चांस मिलेगा, आप एक बार टिक करेंगे, सही हुआ तो, गलत हुआ तो। इसीलिए आपको इस चीज़ का याद रखना है, आपको रिकॉल करना है, रिविज़न करना है। आप जितना ज़्यादा रिकॉल करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उतने अच्छे से आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके अलावा भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है या किसी तरीके की क्वेरी है तो आप elearnum.bib@gmail.com पर डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, यदि आप इस पर elearnum सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस elearnum के टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपकमिंग जितने भी लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन रहेंगे उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कैसे प्रिपेयर करना है ये भी आप पता चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।